हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी सिक्स क्लास की बेटा जेनरिक की जो है वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 77 और जो हमारी डेट है वो है 13 अप्रैल 2021। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जो है आज की वर्कशीट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका या जो आपको पढ़ाती हैं उनका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। पढ़ते हैं कि आपकी माँ के कई रिश्तेदार हैं, क्या आप उनके नाम जानते हैं? जैसे क्या है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, क्या आप उनके जो है नाम जानते हैं? रिश्ते में वे आपके क्या लगते हैं? दिए गए संबंधों के नीचे रिक्त स्थान पर उनका नाम लिखिए तथा आप रिश्ते में उन्हें क्या बुलाते हैं। जैसे क्या है, हमको ये क्या है एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये क्या है माँ की माँ, जो आपकी माँ की माँ होती है वो क्या होती है, आपको आपके रिश्ते में क्या होती है, वो नानी, क्या होती है नानी। ठीक है, और उनका जो नाम है वो क्या है, सुमित्रा देवी, या जो भी आप क्या कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपकी नानी का जो नाम हो, कमलेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो उनकी जो नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आपकी सहायता के लिए था। अब दूसरा क्या है कि माँ के ससुर, जो माँ का ससुर जो होते हैं वो क्या है, वो आपका क्या कहलाते हैं, वो आपका क्या होते हैं, वो दादा, क्या होते हैं दादा। तो उनका नाम यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। जैसे मेरे दादाजी का नाम क्या है, जैसे आप लिख सकते हैं रमेश, ये से एग्जाम्पल है, ये रमेश शर्मा, या जो बच्चे जो मोहम्मद अनवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो उनका जो मर्जी हो, जो उनके दादा का नाम हो वो उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या है यहाँ पे कि माँ के पिता, माँ के पिता आपके क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं नाना, क्या कहलाते हैं नाना। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपके नाना जी का नाम है। जैसे एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कमलेश कौशिक। ठीक है, यहाँ पे याद रखें वो ही लिखना है जो आपके नाना का नाम होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद माँ की सास, माँ की सास आपकी क्या होती हैं, वो आपकी होती हैं दादी जी, क्या होती हैं दादी। तो उनका नाम आप क्या लिख देंगे, लता शर्मा। ये आप बार बार मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे वो लिखना है जो आपकी रियल में जो है आपकी जो दादी जी का नाम है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे के माँ के भाई, माँ के जो भाई होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मामा। ठीक है, उनका नाम लिखना है आपको, जैसे आप लिख देंगे यहाँ पे रोहित, क्या लिख देंगे आप, रोहित शर्मा, या जो भी उनका नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद माँ की बहन आपकी क्या कहलाती है, आप माँ की बहन को आप क्या बोलते हैं, मौसी, क्या होती है मौसी। जैसे उनका नाम क्या हो, क्या है सोनी, या जो आपकी मौसी का नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। अब इसके बाद माँ की जो है ननंद का नाम क्या, ननंद जो आपकी क्या होती हैं, वो बुआ, क्या होती हैं बुआ, आप उनको बुआ बोलते हैं, और उनका नाम क्या हो, क्या है सुनीता। ठीक है, या सना, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद माँ के पति, जो माँ के पति होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं पापा। ठीक है, यहाँ पे क्या हैगा पापा, ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे पा पा। ठीक है, और उनका जो नाम है यहाँ पे आप वो लिख देंगे, सुनील हो सकता है, यहाँ पे वो लिखना है जो आपके पापा जी का नाम है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये आएगा। इस तरीके से आपको जो है ये जो है वर्कशीट कंप्लीट करनी है। इसमें आपको अपने रिश्तों के बारे में बताना है कि आपकी मम्मी के जो रिश्ते हैं वो आपके क्या लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक्टिविटी ये खुद करनी है। मैं आपको बता दूँ कैसे करनी है, कि हर संबंधी का हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई योगदान होता है। जैसे कोई, जैसे बुआ हो गई, हमारे मामा हो गए, दादा हो गए, नाना हो गए, ये सब क्या है हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी लोग हैं हमारे लिए। माँ के अलावा ऐसी किसी एक संबंधी के बारे में सोचिए और उनका जो है अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में क्या योगदान है लिखिए। जैसे आप क्या है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, ये जैसे आप अपने पापा के बारे में लिख सकते हैं कि आपके जो पापा हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके साथ खेलते हैं, वो आपके साथ हर छोटी से छोटी चीज़ में आपकी मदद करते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आपको क्या है वो खुश करने की कोशिश करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हर मोड़ पे आपका जो है साथ देते हैं। ठीक है, पापा के अलावा आप अपनी दादी जी का भी नाम लिख सकते हैं, दादी जी के बारे में बता सकते हैं कि मेरी दादी जो है हर टाइम मेरा ध्यान रखती हैं, उनका जीवन मेरी ज़िंदगी में क्या है बहुत जो है उनका योगदान है। तो इस प्रकार से आपको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है,
और हमें क्या है ये देखना है कि COVID-19 चल रहा है तो हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की 6th क्लास की जो है वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।